मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको हम क्लास 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ाते हैं। तो वास्तविक संख्या आपको पढ़ाने के लिए पहले आपको हम संख्या की नॉलेज देते हैं कि संख्या होती क्या है, संख्या के बारे में। फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो देखिए बच्चों, संख्या हमारा दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या जो रूट में हो और माइनस में, रूट में हो और माइनस में हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? हमारी काल्पनिक संख्या कहलाती है। देखिए, रूट में माइनस वन, रूट में माइनस टू, रूट में माइनस थ्री, रूट में माइनस फोर, डैट डैस रूट में होना चाहिए और माइनस में होना चाहिए, तो ऐसी संख्या हमारा क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या। इसका पूरा ज्ञान आपको क्लास 11th में मिलेगा। अभी आप क्लास 10th में हैं तो वास्तविक संख्या की पूरी नॉलेज लीजिए। तो हम लोग आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या देखिए, संख्या में काल्पनिक संख्या को छोड़कर सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, वास्तविक संख्या आपको सभी होती है। प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक हो गया, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इस तरह और भी संख्या आपकी सारी होती है, भाज्य संख्या। ठीक है, तो आप बताते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5 डैट डैस इनफाइनाइट, हमारा क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या 0 से होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 होती है हमारा। आप बच्चों क्लास 9th में ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, आप हमारा वीडियो देखेंगे, क्लास 9th वीडियो में भी हमने ये बातें आपको पूरा बता चुके हैं। तो देखिए, फिर पूर्णांक क्या होती है? पॉजिटिव और निगेटिव, सारी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। अब हमारा क्या आता है? सम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो, पूर्णता, जो पूर्णता दो से विभाजित हो, जो पूरा पूरा दो से कट जाती है, तो ऐसी संख्या सम संख्या कहलाती है, 2, 4, 6, 8, 10 इनफाइनाइट तक। फिर विषम संख्या, जो दो से पूर्णता विभाजित नहीं हो सकती, उसको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या कहते हैं, 1, 3, 5, 7 डैट डैस इनफाइनाइट तक। अब हमारा आता है अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो और वन से हो, दोनों क्या होते हैं हमारा? डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए हमारा? अलग अलग। वन हमारा आभास संख्या नहीं होती, क्योंकि वन हमारा खुद से कटता है, वन से कटता है, सब तुम्हारे सही है, मगर दोनों क्या हो गई, ये चीज़ सेम टू सेम संख्या हमारी नहीं होना चाहिए। समझा, दो खुद से कटेगा और वन से कटेगा और कोई गिनती से नहीं कटेगा, और दोनों गिनती क्या हुई हमारी? अलग अलग हो गई। समझा, तीन क्या होती है? स्वयं से कटेगा और वन से कटेगा, तो माना क्या हुई है? आभास संख्या। 5, 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 स्वयं से कटेगा, 1 से तो कटेगा ही, और साथ में 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कमा कट जाएगा, तो हमारा ये क्या हो गया है? आभास संख्या 6 नहीं होगी, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, 19 हो गई, डैट डैस इनफाइनाइट तक। तो देखिए बच्चों, आप सोच रहे हैं कि आभास संख्या का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? देखिए, आप लोग गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो सोचना पड़ता है ना कि किससे कटे, 2 से कटेगा कि 3 से कि 5 से कि 8 से कि 10 से, तो उसमें आपको यह आभास संख्या काम देगी। जब भी काटना हो तो केवल आभास संख्या के बारे में आप सोचिए, भास संख्या के बारे में आप बिल्कुल भी ना सोचिए। जैसे हमारा 2 से सोचिए पहले, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से। देखिए, बीच संख्या हमारा छूट जा रही है, 8, 9, 10 हमने छोड़ दिया है, क्योंकि जब 2 से नहीं कटा तो 8 से नहीं कटने वाला, 3 से नहीं कटा तो 9 से नहीं कटने वाला, 5 से नहीं कटा तो हमारा 10 से भी नहीं कटने वाला, तो इसलिए केवल आपको वो आभास संख्या से कर सकती है। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो केवल आभास संख्या के बारे में आप सोचेंगे तो उसको, उसका गुणनखंड आप लोग कर सकते हैं। अब सबसे हमारा इम्पोर्टेंट, जो आपका क्लास 9th भी हो चुका है, क्लास 10th भी आपका अच्छे से ये आने वाला है, परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में होती हो, मतलब एक भिन्नात्मक में होना चाहिए, एक भिन्न में होना चाहिए, बट क्यू की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि हर की अंश बटे हर भिन्न होता है, तो हर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और पी व क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आपका क्या हो गया? 0, ये प्लस में भी हमारा हो गया, माइनस में भी हमारा हो गया, और 0 भी हमारा हो गया, बट Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे
पांच बटे तीन भिन्न भी है परमेय संख्या, दो बटे तीन भिन्न भी है परमेय संख्या, पांच बटे चार वो जीरो बटे एक, जीरो आपका अंश हो सकता है, हर जीरो नहीं हो सकता, पी आपका जीरो हो सकता है, क्यू आपका जीरो नहीं हो सकता है, जीरो बाई टू, सेवन बाई थ्री आदि इसी तरह आपका हो सकता है। अब हमारा आता है अपरमेय संख्या, क्या आता है अपरमेय संख्या, ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो और उसका वर्गमूल मतलब कि उसका रूट अपरमेय संख्या कहलाती है, ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो और उसका वर्गमूल अपरमेय संख्या कहलाती है, जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट, रूट नाइन नहीं होगा, क्योंकि रूट नाइन हमारा क्या होगा पूर्ण वर्ग होती है, तीन का स्क्वायर होता है कि नहीं, तो उसको हमारा रूट निकल आएगा, रूट चार नहीं है देखिए यहाँ पर, क्योंकि चार हमारा क्या है दो का वर्ग है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो इसका हमारा रूट निकल जाता है, जिसका रूट ना निकल पाए वो हमारा क्या होता है अपरमेय संख्या होता है। और दशमलव प्रसार में भी आप समझ लीजिए, इससे हमारे पास 0.1, एक बार जीरो फिर वन, दो बार जीरो वन, तीन बार जीरो वन, चार बार जीरो, इस रूप में रहेगा वो हमारा क्या होता है अपरमेय संख्या। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, अगर ये अच्छी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी तो आपको चैप्टर पूरा, पहला चैप्टर आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू दोस्तों।